बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का काला खेल लगातार जारी है। शराबबंदी के बावजूद शराब का काला खेल अभी राजधानी पटना में देखा जा रहा है। ताज़ा मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पटना जंक्शन के सिटी सेंटर के पास का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रॉली बैग और एक छोटा डे के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल तस्करों ने पूछताछ में साफ तौर पर बताया, और ये चौंकाने वाले खुलासे हैं वो भी पुलिस के सामने किए हैं, जिसमें तस्करों ने बताया कि शराब की तस्करी का खेल में GRP का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें अवैध शराब के तस्करों द्वारा यूपी के दीनदयाल जंक्शन पर GRP के पुलिसकर्मी ट्रॉली बैग में भर भर कर प्रोफाइल है शराब खेप की पटना तक पहुँचाने की जिम्मेवारी उठाते हैं। पकड़ में आए शराब तस्कर सौरभ, अभिषेक और अजीत ने बताया, लगभग 20 दिनों से शराब की तस्करी का यह खेल GRP की मदद से कर रहा था। वहीं शुक्रवार की तड़के सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन 3 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि इस मामले में पुलिस आगे के तमाम जांच बिंदुओं पर छानबीन करने की बात कह रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर रेल SP प्रमोद कुमार मंडल ने मामले की जाँच कर GRP के जवान पर कार्रवाई करने की बात कही है। सूचना मिली शराब की तस्करी कुछ लोग कर रहे हैं और उस शराब को उतर के सिटी सेंटर के रास्ते से गुजरेगी। इस सूचना पर SI नवीन कुमार झा, मुकेश कुमार PTC और बल को तैयार कर भेजा गया, जहाँ पर ये लोग शराब के भारी मात्रा के साथ पकड़े गए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? सिटी सेंटर के सामने से। कहाँ से लेकर आ रहे थे ये लोग? सारा ये लोग यूपी से लेकर आ रहे थे, ट्रेन से। इन लोगों का और सब मोबाइल के आधार पर देखा जा रहा है, जो भी इसमें शामिल होगा। अगर पुलिस सजग नहीं रहती तो ये खेप शहर में पहुंच जाता है। पहले भी ये ला चुके हैं, पूछताछ में कुछ बताया? पूछताछ अभी चल रही है।